हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे बाकी के वीडियोस के लिंक देखें, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर बाकी के आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड सारे वीडियोज़ चेक करें। प्लेलिस्ट में आपके सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के साथ। मुझे सबसे पहले क्या है प्रिंसिपल समझना है इसका, तो मैंने डायग्राम आपको शुरू में ही बना के दिखा दिया है। इसमें होता क्या है, जनरली क्योंकि वॉट मीटर में भी ऐसा था कि हम लोग मैग्नेट्स यूज नहीं कर रहे थे, यहां भी आपको दो कॉइल्स यूज करनी है, एक कॉइल ऊपर इधर लग गई, एक कॉइल इधर लग गई। तो ये आपकी दो कॉइल्स हैं, वो आपकी लगती हैं, उनके थ्रू एसी पास होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। तो इसका जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है, व्हेन एन एसी फ्लोस थ्रू टू सुटेबली लोकेटेड कॉइल्स, एक आपकी करंट कॉइल एक आपकी पोटेंशियल कॉइल, दे प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इससे क्या होता है, दोनों कॉइल्स एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। अब मैं क्या करता हूं, विच इज कट बाय अ मेटेलिक डिस्क, एक मेटल की ना डिस्क रख देता हूं इनके बीच में, विच इज कट बाय अ मेटेलिक डिस्क। अब क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी डिस्क में, ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द डिस्क विच सर्कुलेट एडी करंट्स। अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है इस डिस्क में तो करंट्स भी आएंगे, करंट्स आने से जो आपका है बाय द इंट्रैक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड एडी करंट्स, तो जो आपकी फील्ड आई और एडी करंट आया उसकी वजह से आपका ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हो जाता है इस डिस्क में, और ये डिस्क आपके रोटेशन करना चालू कर देती है। तो ये मेरा जो प्रिंसिपल है वो है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का, कि किस तरह से ये डिस्क मेरी रोटेशन चालू कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कैसे डेवलप हुआ, ये आपका पूरा प्रिंसिपल है। और वर्किंग भी कुछ लगभग सेम है, तो आपके लिए काफी इजी पड़ेगी। मैं एक बार और बता देता हूँ इसका, मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। आपने एक कॉइल यहां पर ली, पोटेंशियल कॉइल, ये आपकी करंट कॉइल होगी, बीच में आपने डिस्क रखा हुआ है, लोड से आपने कनेक्ट करा हुआ है, ये मेरी कॉइल है। जब यहां से सप्लाई से एसी इधर जाएगा, इधर एसी जाएगा, तब तो आपका क्या होगा, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा जो कि रोटेटिंग होगा। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगा, ये ईएमएफ प्रोड्यूस करते ही इसके एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, एडी करंट्स के बाद जो इंट्रैक्शन हो रहा है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का और एडी करंट्स का, उससे आपको एक टॉर्क मिलेगा जिससे ये घूमने लग जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो, काफी इजी प्रिंसिपल था। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका वर्किंग कैसे है। सो स्टूडेंट्स, अब वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में सबसे पहला आपका पॉइंट यही है कि जब आपकी एनर्जी मीटर को कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ, ये जो मेरा मीटर है उसको मैं सर्किट के साथ कनेक्ट करूंगा, तो जो करंट कॉयल है मेरा ये वाला, ये कैरी करेगा लोड करंट को, तो लोड करंट को कैरी करता है करंट कॉयल, और पोटेंशियल कॉयल बोलो या प्रेशर कॉयल कुछ बुक्स में लिखा रहता है, वो कैरी करता है करंट प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज। ये सिमिलर है बिल्कुल वॉट मीटर की तरह, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो मेरा जो करंट कॉइल हो गया वो लोड करंट, और प्रेशर कॉइल हो गया करंट प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज। अब क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कॉइल, ये जो करंट कॉइल है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो इन फेज बनाएगा विद द लाइन करंट, लाइन करंट के साथ फेज में ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बट जो आपका प्रेशर कॉइल ऊपर, ये जो लगा हुआ है प्रेशर कॉइल, ये आपका बनाएगा इन क्वाड्रेचर विद द अप्लाइड वोल्टेज। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो फेज डिफरेंस है वो थोड़ा सा एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द फ्लक्स, इसका फेज डिफरेंस अलग है, जो ऊपर मेरी प्रेशर कॉइल बना रही है, नीचे जो करंट कॉइल बना रही है उसका फेज डिफरेंस, विच इज इन फेज विद माय लाइन करंट। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, फेज दोनों के अलग अलग हैं, तो एक
जनरल सी बात है कि फेज डिफरेंस एग्जिस्ट होगा बिटवीन द फ्लक्सेस प्रोड्यूस बाय द कॉइल्स, जिससे कि आपका रोटेटिंग फील्ड बन जाएगा। तो ये आपको बस इतना वर्किंग में लिखना होता है, जो मैंने प्रिंसिपल आपको बताया था कि रोटेटिंग फील्ड बनेगा, ये रोटेट करेगा, कैसे बनेगा वो आपने यहाँ पर बता दिया कि फेज डिफरेंस से बन जाएगा। और इसमें जो आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस रहेंगे, ये डिस्क जितना घूमेगा वो डिपेंड करता है ऑन द एनर्जी पासिंग थ्रू द मीटर। तो जितनी एनर्जी इस मीटर के थ्रू पास होगी इस डिस्क में, उतने एन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे। आप उससे पता लगा सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करा है सर्किट ने, और वो भी किलोवाट आवर्स में, ये दे देता है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ आया हो, प्रिंसिपल के बाद वर्किंग भी समझ में आ गई हो। सिंपल है, दो कॉइल है, दोनों अलग अलग, जब करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, फील्ड्स का जो आपका फेज रहेगा दोनों का अलग रहेगा, तो उससे फेज डिफरेंस क्रिएट होगा फ्लक्सेस का, फ्लक्सेस के फेज डिफरेंस की वजह से एक रोटेटिंग फील्ड जनरेट होगी जो मेरे डिस्क को रोटेट करा देगी। बस इतना है, इसके अलावा इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर और कुछ नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी कराना चाहूंगा, कभी कभार आ जाता है न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं इस टॉपिक से भी, छोटे सा एक न्यूमेरिकल मैं आपको बस दिखाने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चंस करने होंगे। अगर डिफरेंट न्यूमेरिकल भी आता है इस टॉपिक से तो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा करना। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ 40 एम्पीयर 230 वोल्ट एनर्जी मीटर ऑन अ फुल लोड टेस्ट मेक्स 60 रेवोल्यूशन इन 46 सेकेंड्स इफ नॉर्मल डिस्क स्पीड इज 500 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, फाइंड द परसेंटेज एरर। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है आए, पर फाइनल्स का कुछ भरोसा नहीं है, आ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह ये क्वेश्चन होगा। सो देखते हैं किस तरह से होगा क्वेश्चन ये। सबसे पहले पावर मेरे को पता होता है, वी आई कॉस फाई है। नाउ आपका लोड जो है वो रेजिस्टिव है, देयरफॉर कॉस फाई आपका 1 हो जाएगा। तो मैं पावर निकाल लेता हूं एक बार, पहले टोटल कितना आ गया, 230 वोल्ट एंड 40 एम्पीयर का है। बस पावर पूरा इसका चेक कर लेता हूँ, जो कि आएगा 9200 वॉट्स, किलो वॉट भी कर सकते हैं। अब आपको 1 किलो वॉट आवर में रेवोल्यूशंस कितने दिए हुए, 500। तो अगर मेरे 9.2 किलो वॉट आवर है तो मेरे रहेंगे 9.2 × 500, दैट विल बी 4600 रेवोल्यूशंस। नाउ अब मैं देखूंगा क्वेश्चन में कि मेरे पास फुल लोड पे 46 सेकंड्स में 60 रेवोल्यूशन रहते हैं, तो 60 रेवोल्यूशन इक्वल टू 46 सेकंड, मतलब 1 आवर में 60, मतलब 1 इतने रेवोल्यूशन रहेंगे। अब आपको परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला पता होगा, बेसिक है बहुत, परसेंटेज एरर में निकाल लूंगा कितना है, 4695.65 माइनस जो आपका यहां पर आया था डिवाइडेड बाय × 200, दैट विल बी योर 2.079। तो इतना परसेंटेज एरर आपका ये इंस्ट्रूमेंट देगा। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, एक 40 एम्पीयर 230 वोल्ट का एनर्जी मीटर है फुल लोड टेस्ट पे, वो 60 रेवोल्यूशंस करता है 46 सेकंड में। अगर नॉर्मल डिस्क स्पीड है 500 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, तो आपको परसेंटेज एरर बतानी है। कुछ नहीं किया मैंने, खाली पावर को देखा, पावर निकाला टोटल,
1 किलोवाट आवर में मुझे पता है 500 रेवोल्यूशन मुझे दे रखा है कि करेगा, तो 9.2 जो उसकी मैक्सिमम पावर है, लिमिट है कि इतना कर सकता है, ये इतना आ गया। उसके बाद 60 रेवोल्यूशन 46 सेकंड में, तो 1 आवर में कितना करेगा, इतना करेगा। तो परसेंटेज एरर कितना दे रहा है, 2.079% एरर ये दे रहा है हर बार। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करें। थैंक यू।